तो दोस्तों नमस्कार, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम फुल पावर के साथ सुबह सुबह खेत पे पहुंच गए हैं और हमने खेतों में बिया भी गिरा दिया। यहाँ पर वहाँ हमारा खेत बो गया है और आज हम यहाँ पे फुल पावर के साथ खेत को बोएंगे। तो ये हमारे छोटे छोटे भाई लोग लगे हुए हैं, देखिए इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है गन्ना बालने का। बाल के दिखाइए हमारे दोस्तों को और देखिए दोस्तों इतने छोटे छोटे फिर भी बहुत अच्छा काम करते हैं, गन्ना बाल लेते हैं। और ये भी एक छोटा सा दोस्त है हमारा जो कि ये गन्ना अपना पैड़िया रहा है, गन्ने को सही से रख रहा है कि हमें उठाकर बोने में आराम रहे। और इधर एक छोटा दोस्त इधर भी है, ये भी गन्ने को सही कर रहा है कि हम अच्छे से बो पाएंगे उठा उठा के। और उधर हमारे चाचा जी बैल को नाद दिए हैं, तो आप लोगों को अभी दिखाते हैं कि हम नाली कैसे लगाते हैं, खाद कैसे डालते हैं, गन्ना बोने का विधि बताएंगे आप लोगों को। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिएगा फुल पावर के साथ। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो चाचा जी नाली लगाने लगे हमारे खेत में जो कि आ गए हैं गन्ना बोने। और ये देखिए हमें गन्ना बोने में दो बैलों की जरूरत होती है, जब दो बैल गोई रहेंगे तभी हमारा नाली खींच जाएगा, दोनों बराबर खींचेंगे। तो देखिए नाली बनने लगा बहुत ही अच्छे से और उधर भी नाली हमारे चाचा एक बना दिए हैं। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को फुल पावर के साथ। हमारे सभी छोटे छोटे दोस्त लोग गन्ना भी बोने लगे, अभी ये लोग एंजॉय कर रहे थे अपना और अब नाली खींच गया तो गन्ना भी बो रहे हैं। देखिए तो आप लोगों को दिखा रहे हैं गन्ना बोने का विधि, कैसे गन्ना बोया जाता है। गन्ना बोने की विधि ये है कि हम नाली में खाद डालते हैं। तो ये देखिए पापा जी खाद डाल रहे हैं, कौन सा खाद है पापा जी? ये डाई खाद। तो डाई खाद पापा डाल रहे हैं जो कि नाली में हमारे अच्छे से गन्ने का उपज हो और थोड़ा नमी बना रहे, इसलिए हम डाई डालते हैं। यूरिया तो हम लोग बरखे में डालते हैं। और ये देखिए गन्ना बोने का भी विधि जो कि एक एक अंगूर जोड़ के हम लोग गन्ना बोते हैं और पैर से दबा देते हैं ताकि हमारा गन्ना वहीं जम जाए। और काफ़ी इधर उधर टेढ़ा बेढ़ा नहीं रखना है, सीधा ही गन्ना रखना है, तभी हमारा गन्ना अच्छा से पकड़ेगा इस ज़मीन में, नमी पाएगा तभी। और उधर चाचा जी रेजर चला रहे हैं, देखिए आप सब चलते हैं दिखाते हैं आप लोगों को। रेजर बहुत ही गहरा लग रहा है और काफ़ी मेहनत लगता है बैलों को भी खींचने में। देखिए दोस्तों ये बैल है जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं दिखने में भी और रेजर से खींच रहे हैं चाचा। सबसे अलग तो हम गन्ना बालने लगे क्योंकि हमारा गन्ना कम पड़ने लगा, इसलिए अब हमें गन्ना बालना पड़ रहा है। तो फुल पावर के साथ हम गन्ना बहुत तेजी से बालते हैं क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस 5 साल से, हम हर साल गन्ना बोते हैं इसलिए हम अच्छे से बाल लेते हैं। और एक एक गन्ना 4 गाँठ का बालते हैं जिससे कि हमारा गन्ना अच्छा जामे, और अगर खराब हो तो 4 ही गाँठ जाए क्योंकि कीड़ा लगने पर एक पूरा पेड़ा हमारा चला जाता है। तो फुल पावर के साथ हमारा गन्ना कम पड़ गया था लेकिन अब नहीं कम पड़ेगा। इधर दिखाइए कैमरामैन, और ये हमारा गन्ना बो गया है, हमारा 2 बीघा का खेत फुल पावर के साथ बो गया, आप सब देख सकते हैं। और अब हमें आखिरी वाला नाली खुद ही पाटना पड़ेगा जो कि ये देखिए कुदरा से पाटना पड़ रहा है। आखिरी का नाली बीच का जो बचता है उसे हम कुदरे से ही पाटते हैं। तो ये देखिए दो दो लोग लगे हुए हैं, एक इधर और ये पापा जी भी लग गए, और ये लड़का देखिए कुदरा से बराबर कर रहा है। तो इस नाली को देखिए इसमें भी गन्ना डाल दिए हैं जो कि इस नाली को आर पार जितना भी लंबा है हमें कुदरा से ही पाटना पड़ेगा, बैल इस पर नहीं चल पाएंगे कि हराई बचा ही नहीं है। तो फुल पावर के साथ चलते हैं, कुदरा से इसको पाटते हैं। तो हम जा रहे हैं पाटने, तो देखिए मेरा काफी दिन से एक्सपीरियंस है कुदरा चलाने का भी फुल पावर के साथ, तो हम कुदरा बहुत ही स्पीड से चलाते हैं। अपने लिए लड़े तो हम बुरे हो गए, या तो नींद पूरी हो गई या तो ख्वाब पूरे हो गए। सच्ची बात बता रहा, कौन है गरीब का सहारा। हमारा खेत सारा बो गया, आप सब देख सकते हैं। और ये चाचा जी हेंगा भी हेंगा दिए हैं इसी टाइम, जो कि सुबह आ नहीं पाएंगे इसलिए इसी टाइम हेंगा से इस खेत को हेंगा दिए हैं। तो एक बार हमारा खेत हेंगा चुका है और दूसरा बार चाचा जी खेत को हेंगा रहे हैं। और फुल पावर के साथ हम कोना बना रहे थे, तीनों चारों कोना गन्ना बोए, इसीलिए हम पहला वाला बाँ आप लोगों को हेंगाने का नहीं दिखा पाए। तो ये सेकंड बार हेंगा रहे चाचा खेत को, और चलिए दिखाते हैं हमारे दोस्त लोग यहाँ पे कुछ कुदरे से अपना काम कर रहे हैं, कोना भी बो रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे दोस्त कोना बो रहे सभी लोग। तो 3 कोना मैंने बोया है, कोना इन लोगों को ठेका दे दिया मैंने बोने के लिए। तो ये खड़े हुए गन्ने को लेके अभी लोग नाली खींचेंगे, उसके बाद में गन्ना डालेंगे नाली में फुल पावर के साथ। समझ रहे हो ना। तो ये लोग थक गए हैं, तो अब मुझे भी कुदरा चलाना है जो कि मैंने 3 कोना बोया है, और मेरा एक्सपीरियंस काफी दिन से गोड़ने का भी खेत का। देखिए स्पीड से गोड़ना पड़ता है नहीं तो हमारा कुदरा गहराई तक नहीं लगेगा। फुल पावर के साथ कुदरे को मार रहे हैं दोस्तों, ये लोग फुल पावर के साथ नाली खींच रहे हैं जो कि ये कोई ट्रैक्टर से या बैल से कम नहीं गहराई है। देखिए बहुत गहरा नलिया लगाए हैं, और इधर ये भी लगा रहे हैं हमारे छोटे दोस्त, और ये भी एक छोटा दोस्त जो कि फुल पावर के साथ ये लोग काम करते हैं। बहुत ही मेहनती लड़के हैं, छोटे हैं पर खोटे हैं, बहुत ही तगड़ा काम हम करते हैं फुल पावर के साथ। ये भी देखिए अभी खींचेगा, लीजिए कुदरा आप भी खींचिए नाली, देखते हैं आपका फुल पावर के साथ तगड़ा वाला सीन आपका भी देख लेते हैं। ये देखिए तगड़ा वाला सीन ये भी दिखा रहा है अपना, छोटा है पर खोटा नहीं है, बहुत ही मोटा है तगड़ा है। ये क्या बात करता है यार। दोस्तों हमारा खेत भी हंगा गया और वो भी गया, आप लोग देख सकते हैं बैल खड़े हो गए हैं। और हम लोग बात करें कि बहुत ही मेहनत लगा कौन किनारा बोने में, हम लोग चारों लोग बोए हैं, और एक बीघे का दाम अगर जाना जाए तो 500 रुपये बीघा बोने और हंगाने का लगता है। तो अब हम लोग चल रहे हैं फुल पावर के साथ अपने घर। हम दोस्तों हम लोग अब खेत हमारा बो गया, हम लोग चल रहे हैं घर फुल पावर के साथ। तो
तो आप लोगों को किसान ब्लॉग देखकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।